गोबर खाद, कंपोस्ट खाद और इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर जो मिले हुए हैं वो सभी डाले जा रहे हैं। ये 16 महीने का, 16 से 17 महीने का पुराना प्लांट है। 3 बार इसमें प्रूनिंग हो चुकी है। लगभग 17 एकड़ का प्लॉट है। 17 एकड़ में अगस्त सितंबर में प्लांटेशन किया हुआ था ये 2018 में। बीच में ये 24 फीट की रोड दी गई है। ट्यूबवेल सिस्टम है इसमें।
गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और अतिरिक्त मैन्यूर जो सभी डाले गए हैं इसमें। ये भारत सरकार का जो राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान है गाजियाबाद, उसके मार्गदर्शन में ये इन टंकियों में ये माइक्रो न्यूट्रेंट बना हुआ है। ये हर्बल एक्सट्रैक्ट बना हुआ है, ये हर्बल एक्सट्रैक्ट बना हुआ है और इन टंकियों में सब में डीकम्पोजर है। ये 24,000 लीटर का सेटअप है, ये ड्रिप सिस्टम के माध्यम से ही सब जाता है। ये डीकम्पोजर सारी टंकियों में भरा हुआ है और ये 125 एकड़ का लगभग ये फार्म है। कई वैरायटी अमरूद, 45 एकड़ आम और ये अमरूद L49 का लगा हुआ है। ये कंडे जिब्रेलिक एसिड कंडे का गाय के गोबर के 1 साल पुराने कंडे बने हुए हैं उपले उसका है और ये बकरी की एड़ी जिसको कहते हैं किशन चंद्रा जी ने इसका बताया कि इनका स्प्रे सभी का मिलाते हैं हम इसमें, ये फॉर्म पे कर रहे हैं। लगभग 16 से 18 माह इस स्विच को हो गए हैं फार्म को। पहला भी वीडियो हमने इसमें डाला हुआ है और ये लगभग 3-4 बार इसमें फ्रूटिंग आ चुकी है, लेकिन अभी नेक्स्ट ईयर 2 साल का, अभी इससे 2 साल तक इसकी कैनोपी बनाई जा रही है। इसकी 3 बार कटिंग हो चुकी है, कटिंग हो चुकी है, इसकी कैनोपी बनाई जा रही है और फिर ये फार्म जो है बन के तैयार हो जाएगा। 2 साल बाद इसका हम प्रोडक्शन लेने लगेंगे, 2 साल बाद ये प्रोडक्शन इसका स्टार्ट कर देंगे। प्रोडक्शन तो आ चुका है, 3 बार हम लोगों ने इसकी कटिंग कर चुके हैं, लेकिन हम ये ले नहीं चाह रहे हैं। ये प्रॉपर तरीके से इसका वो हो जाए, एक ये वेंचुरी के माध्यम से भी दिख रही है, इसके माध्यम से ये डिकम्पोजर जा रहा है सभी उसमें ये पूरी फुल्ली ऑर्गेनिक फॉर्म है। ये डिकम्पोजर के अलावा कोई भी दूसरी चीज़ हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। माइक्रोन्यूट्रेंट, हर्बल एक्सट्रैक्ट, डिकम्पोजर और कंडे का उपलो करा स्प्रे, एड़ी का स्प्रे, पत्थरों का जूस, ये सभी चीज़ें जो हैं इस पर डाल रहे हैं। ये सब पूरा ड्रिप पे है, ये सारा सिस्टम पूरा ड्रिप के माध्यम से ये चल रहा है। ये 1.5 साल में कितना अच्छा ग्रोथ है इसका, ये देखिए। और ये भी जो लगा हुआ है ये अमृत का प्लांटेशन, ये 6 माह पुराना है और इसी के आगे कंटिन्यू 45 एकड़ में लगभग आम लगा हुआ है। ये भी सभी फूरी फुल्ली ऑर्गेनिक और डॉक्टर किशन चंद्रा के मार्गदर्शन में इसको काम कर रहे हैं। लगभग 2.5 साल हो गया है डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेवर शुद्ध रेत है, आप देख लीजिए, पूरा प्लॉट रेत का है, पूरा प्लॉट रेत का है और रेत के माध्यम डिकम्पोजर के माध्यम से ये कार्य हो रहा है। बाकी यहाँ पर कोई चीज़ होती नहीं थी, ये सिर्फ संभव हुआ है तो डिकम्पोजर के माध्यम से संभव हुआ है। यहाँ कुछ भी नहीं होता था, शुद्ध रेत है ये, ये पूरा प्लॉट हमारा रेत का, इसमें मिट्टी है ही नहीं। 10 फीट नीचे मिट्टी है, 10-15 फीट नीचे मिट्टी है, पूरा
लेकिन ड्रिप के माध्यम से इसको कवर किया गया है। अमरूद प्लांटेशन है L49 49 का। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि वेस्ट डिकम्पोजर माइक्रो न्यूट्रेंट हर्बल एक्सट्रैक्ट जो राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान गाजियाबाद ने बनाया है, इसका अधिक से अधिक उपयोग करें और अपने जीवन को, कृषि को आत्मनिर्भर बनाएं, जिससे ये आगामी कार्य हो सके कि हम जहर मुक्त, रसायन मुक्त और हानिकारक जो पेस्टिसाइड है उनका इस्तेमाल ना करते हुए इन सभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और स्वयं भी स्वस्थ रहें और हमारा जो जनमानस है सभी को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने की जिम्मेदारी हमारी है। जय श्री माता जी। मैं विजय पाल सिंह, कैना कछार, मध्य प्रदेश, पाडरवाड़ा तहसील, जिला नरसिंहपुर, मूलतः छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ। 200 किलोमीटर दूर आकर मैं खेती करता हूँ। तो आप सभी इस जैविक उत्पादों को अपनाएं और अपना जीवन बेहतर बनाएं, इसी आशा के साथ। जय श्री माता जी।